हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 25 नवंबर। तो 25 नवंबर के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @GovernmentNaukri लिख कर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल जब हमने 24 नवंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तो लास्ट में मैंने आपको दो टेस्ट दिए थे। सबसे पहले हम वो टेस्ट के आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 25 नवंबर के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो कल का आपका टेस्ट था कि व्हाट्सएप ने किसे व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो उनका नाम है अभिजीत बॉस, जिन्हें हाल ही में व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका सी। इस क्वेश्चन का आंसर काफी स्टूडेंट ने सही दिया था। और दूसरा टेस्ट था आपका कि हाल ही में किसे तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है अमिताभ बच्चन, जिन्हें हाल ही में तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 25 नवंबर के करंट अफेयर्स। आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है, बलि यात्रा उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो बलि यात्रा उत्सव का जो उद्घाटन है ये हाल ही में उड़ीसा में किया गया इसका उद्घाटन। और ये उत्सव कब संपन्न होगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये उत्सव 2 दिसंबर को संपन्न होगा। और ये उत्सव क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हमारे जो समुद्री मार्ग हैं उनसे व्यापार को बढ़ाया जा सके और भारतीय संस्कृति को भी बढ़ाया जा सके, इसलिए इस उत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब क्योंकि ये उत्सव का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है तो उड़ीसा के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना होगा, आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है ये। यहाँ पर जो मार्ग है उड़ीसा है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर का नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल, और उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटें हैं 147। और उड़ीसा का जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वो है घूमरा और उड़ीसी। और उड़ीसा का जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है भितरकनिका नेशनल पार्क। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको उड़ीसा के बारे में नोट करनी है। अगला क्वेश्चन है, जंगल महल महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो जंगल महल महोत्सव का जो उद्घाटन है ये हाल ही में पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर इस महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता वहां पर इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। और ये महोत्सव क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है ये आपको पता नहीं। तो इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो जंगल महल क्षेत्र है उनकी संस्कृति को और ज्यादा लोकप्रिय बनाया जा सके, इसलिए इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो हमारे जंगल महल क्षेत्र है उनकी संस्कृति को लोकप्रिय बनाया जा सके, तो आपको पता नहीं कि जंगल महल क्षेत्र कौन से हैं। तो हमारे जो वेस्ट बंगाल के दक्षिणी भाग में जो क्षेत्र है जैसे कि पश्चिम मिदनापुर हो गया और झारग्राम हो गया और बांकुरा हो गया और पुरुलिया हो गया, ये जो जगहें हैं वेस्ट बंगाल में वो सब मिलकर जंगल महल क्षेत्र बनाती हैं जिनके लिए एक महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है वेस्ट बंगाल में। अब क्योंकि ये महोत्सव वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया तो वेस्ट बंगाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मार्गिंग, यहाँ पर वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर का नाम है ममता बनर्जी, और वेस्ट बंगाल के गवर्नर है केसरी नाथ त्रिपाठी, और वेस्ट बंगाल के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 42, राज्यसभा की सीटें हैं 16 और विधानसभा की सीटें 294। और वेस्ट बंगाल का फोक डांस है गंभीरा, और वेस्ट बंगाल का जो नेशनल पार्क है वो है जलाधपरा नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। आज का अगला क्वेश्चन है, अपोलो टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो अपोलो टायर ने अपने हाल ही में जो नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दी ये है सचिन तेंदुलकर, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। और इनकी जो नियुक्ति की गई है अपोलो टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये 5 सालों के लिए की गई है। अब यहाँ पर आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी होगी कि जो सचिन तेंदुलकर हैं ये प्रेजेंट में BMW के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये सचिन तेंदुलकर इससे पहले MRF टायर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अपोलो टायर्स इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए अपोलो टायर्स इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, और इसकी स्थापना कब हुई है तो इसकी स्थापना 1972 में हुई है। और इसके चेयरमैन का नाम क्या है, तो इसके चेयरमैन का नाम है निमेश कंपनी। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन के बारे में नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2018 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। तो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019, उसमें जो पहले रैंक पे जो राज्य रहा है उसका नाम है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक लोग इम्प्लॉयड हैं, इसलिए इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश को सबसे पहले रैंक पे रखा गया है। और आपको पता नहीं चाहिए कि अगर आंध्र प्रदेश पहले रैंक पे है तो दूसरी और तीसरी रैंक पे कौन से राज्य रहे हैं, वो का नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दूसरे रैंक पे है राजस्थान और तीसरे रैंक पे है हरियाणा। और उसके बाद ये पता होना चाहिए आपको कि ये इंडिया स्केल रिपोर्ट 2019 ये किसने जारी की है। तो ये रिपोर्ट बाई बॉक्स और पीपल स्ट्रॉन्ग और CII ने जारी की है। CII की फुल फॉर्म क्या है? तो CII की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1895 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो उनका नाम है राकेश भारती मित्तल। अब यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश के बारे में नोट करनी होगी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश पहले रैंक पे रहा है। देखिए यहाँ पर जो मार्क है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद भी है। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है ESL नरसिम्हा। और आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें 175। और आंध्र प्रदेश का जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। और नेशनल पार्क जो है आंध्र प्रदेश का यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। आज का अगला क्वेश्चन है IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो झारखंड दिवस है ये 24 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। देखिए आप लोग को मैंने जब करंट पे पढ़ाया था IFFI के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि इस साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फोकस राज्य कौन सा है? तो फोकस राज्य है झारखंड, इसलिए इस फेस्टिवल में झारखंड दिवस मनाया गया है 24 नवंबर को। अब यहाँ पर मैं आपको IFFI इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो 2018 में ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये फेस्टिवल कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया है? तो 28 नवंबर से ये स्टार्ट हुआ है और देखिए ये फेस्टिवल 20 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 28 नवंबर तक चलेगा। और इस फेस्टिवल में जो फिल्में झारखंड में बनी है उनकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। अब यहाँ पर आपको गोवा के बारे में पता चाहिए, क्योंकि IFFI 2018 ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। और झारखंड के बारे में भी पता चाहिए क्योंकि झारखंड दिवस मनाया गया है इसमें और झारखंड फोकस राज्य भी है इसका। सबसे पहले यहाँ पर जो मार्क्ड है झारखंड, झारखंड की कैपिटल है रांची, झारखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है रघुबर दास और झारखंड के गवर्नर का नाम है द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 6, विधानसभा की सीटें हैं 81। और झारखंड का नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क और झारखंड का फोक डांस है झुमेर। अब गोवा के बारे में, तो यहाँ पर जो मार्ग गोवा है, गोवा कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम है मनोहर पारिकर, गोवा के गवर्नर का नाम है मृदुला सिन्हा। गोवा के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1 और विधानसभा की सीटें हैं 40। और गोवा का फोक डांस है फुगदी और गोवा का नेशनल पार्क है भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड ये कल भी मैंने आपको बताया था, तो ये हाल ही में मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस साल का इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है सेलिब्रेटिंग द अचीवर्स एंड देयर रिमार्केबल जर्नी अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अब मैंने आपको कल भी एक करंट अफेयर पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में हाल ही में अजीम प्रेम जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और देखिए इस साल इस अवार्ड में 9 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। और ये पुरस्कार किन किन लोगों को मिले हैं और किन किन क्षेत्रों के लिए मिले हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये एक लिस्ट तैयार की गई है। सबसे पहला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो जो फोर्ब्स इंडिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये अजीम प्रेम जी को मिला है। और अजीम प्रेम जी ये विप्रो कंपनी के चेयरमैन है और विप्रो कंपनी के ओनर भी हैं। और इसमें बेस्ट कंपनी अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट कंपनी अवार्ड जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को मिला है। और बेस्ट CEO यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में जो बेस्ट CEO है उनका अवार्ड किन्हें मिला है? तो ये अवार्ड संजीव मेहता को मिला है जो कि HUL के CEO है। और प्राइवेट सेक्टर में जो बेस्ट CEO अवार्ड किसे मिला है? तो ये राजीव जैन को मिला है जो कि बजाज फाइनेंस कंपनी के CEO है। और इस साल 2018 के जो बेस्ट उद्यमी है ये अवार्ड किसे मिला है? तो ये मदरसन सुमी के विवेक चंद सहगल को मिला है। और स्टार्टअप पुरस्कार किसे मिला है इसमें? तो स्टार्टअप पुरस्कार आर नारायण को मिला है। और जो नेक्स्ट जनरेशन उद्यमी का अवार्ड है ये अदार साइरस पूनावाला को मिला है। और इंटरप्रेन्योर विद सोशल इम्पैक्ट ये अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड गायत्री वासुदेवन को मिला है।
और कॉन्शियस कैपिटलिस्टिक कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो ये अवार्ड नारायणा हेल्थ को मिला है। ये जो लिस्ट है ये आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से आप इसे देख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी है। अगला क्वेश्चन है आज का, और ये अवार्ड जैसे मैंने आपको कहा कि मुंबई में ऑर्गेनाइज किए गए थे, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, तो महाराष्ट्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मार्क्ड एरिया है, यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर का नाम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सी विद्यासागर राव, लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19 और विधानसभा की सीटें 288, और महाराष्ट्र का फोक डांस है पवारी नाच, और महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क और थदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद इमरत खां का निधन हो गया और आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित थे। तो उस्ताद इमरत खां ये एक शास्त्रीय संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और आपको पता है कि इनकी एज कितनी थी, तो इनकी एज 83 इयर्स की थी, और इन्होंने अपनी सारी लाइफ सितार को पूरी दुनिया में फेमस करने के लिए लगाई है। और आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पता चाहिए कि जो उस्ताद इमरत खां थे ये इटावा घराने और इमदाद खानी घराने से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, झीड़ी मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो झीड़ी मेले का जो उद्घाटन है ये हाल ही में जम्मू में किया गया, और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इस मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है जिनका नाम है सत्यपाल मलिक, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये मेला जम्मू कश्मीर में झीड़ी गांव में ऑर्गेनाइज किया गया, इसलिए इस मेले का नाम भी रखा गया है झीड़ी मेला। और ये मेला क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो बाबा जीतो की शहादत की याद में इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाबा जीतो कौन थे, तो ये एक किसान थे जिन्होंने 500 वर्ष पहले अपने जीवन को त्याग दिया था किसानों के लिए। अब यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी होगी। यहाँ पर जो मार्क डे जम्मू कश्मीर, कैपिटल है श्रीनगर, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की सीटें 6, राज्यसभा की सीटें 4 और विधानसभा की सीटें 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय चिकित्सा पर 12वीं विश्व कांग्रेस कहाँ पर शुरू हुई है, तो पर्वतीय चिकित्सा पर जो 12वीं विश्व कांग्रेस है ये हाल ही में काठमांडू में शुरू हुई है। काठमांडू कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, और इस साल का आपको थीम पता होना चाहिए, तो इसका थीम है हिमालय के दिल में पर्वतीय चिकित्सा। और ये पर्वतीय चिकित्सा पर 12वीं विश्व कांग्रेस ये क्यों ऑर्गेनाइज की गई है, तो ये इसलिए ऑर्गेनाइज की गई है ताकि जो ऊंचे ऊंचे पर्वतीय स्थान है वहां पर जो औषधियां पाई जाती हैं, जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, उनके महत्व को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको यहाँ पर नेपाल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी होगी। यहाँ पर जो मार्ग है नेपाल, नेपाल की कैपिटल बता दी आपको काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर है खड़गा प्रसाद ओली। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा वार्ता के 21वें दौर का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो भारत चीन सीमा वार्ता के 21वें दौर का जो उद्घाटन है ये चाइना में किया गया है, और इस वार्ता का आयोजन किसने किया है, तो हमारे भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जिनका नाम है अजीत डोभाल, और चाइना के जो विदेश मंत्री जिनका नाम है वांग यी, उन्होंने इस वार्ता का आयोजन किया है। और ये वार्ता क्यों ऑर्गेनाइज की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो भारत और चीन के बीच में 3488 किलोमीटर लंबी जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसके ऊपर जो विवाद चल रहा है, इसलिए इस भारत चीन वार्ता को ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए जो चाइना है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का भाग बताती है, इसलिए इस वार्ता को ऑर्गेनाइज किया गया है, चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया, तो चाइना के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो मार्ग है चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी रेनमिनबी, चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत गैर परिवहन वाहन घोषित किया गया, तो उस वाहन का नाम है कबोड्री साइकिल, जिसे हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत गैर परिवहन वाहन घोषित किया गया। आपको पता चाहिए कि ये कबोड्री साइकिल क्या होता है, तो ये एक ऑटो रिक्शा की तरह होता है, पर ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स लगे होते हैं पर इसमें 4 व्हील्स लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, FIAPF पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया, तो इस पुरस्कार से हाल ही में नंदिता दास को सम्मानित किया गया। नंदिता दास कौन है, तो ये एक प्रोड्यूसर है जिन्हें हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको FIAPF की फुल फॉर्म पता नहीं, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, और इन्होंने जो फिल्म के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है इसलिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको नंदिता दास के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी होगी। देखिए नंदिता दास, इन्होंने 1947 अर्थ नामक जो फिल्म थी उसमें इन्होंने एक्टिंग की है, और जो फायर फिल्म थी उसमें भी इन्होंने एक्टिंग की है नंदिता दास ने। और इन्हें ये अवार्ड कब दिया जाएगा, तो इन्हें ये अवार्ड 29 नवंबर को दिया जाएगा।
तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 25 नवंबर के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग को कहा गया था कि लास्ट में दो टेस्ट दिए जाएंगे, तो सबसे पहले टेस्ट है आपका कि किसी यूनिसेफ का यूथ एडवोकेट बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चार ऑप्शन में से आपको आंसर चूज करना है। दूसरा टेस्ट है आपका कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2018 किसने जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको इस लेक्चर में मिल चुका है। इस दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रही हमारे साथ। थैंक यू।